आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका में और यहाँ पर आज बड़े ही जोर शोर से पूरे मंदिर में सफाई हो रही है और मेरे साथ अर्चित प्रभु जी हैं। अर्चित प्रभु जी डायरेक्टर हैं इस्कॉन मंदिर द्वारका के, तो आइए उन्हीं से जानते हैं कि ये सफाई क्यों हो रही है और इसका क्या महत्व है। अर्चित प्रभु जी आपका स्वागत है रेडियो द्वारका। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ये मंदिर में इतनी सफाई हो रही है, स्पेशली लोग आ रहे हैं सफाई के लिए, क्या वजह है? तो इस फेस्टिवल को बोलते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी इस्कॉन सेंटर हैं ये बनाया जाता है और स्पेशली जगन्नाथपुरी में जो गुंडीचा मंदिर है वहां से फेस्टिवल स्टार्ट हुआ था चैतन्य महाप्रभु के द्वारा। तो बहुत ही महत्व है जगन्नाथपुरी का। आप सब जानते हैं कि भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा तीनों विराजमान है जगन्नाथ मंदिर में, जिसको द्वारका धाम से अभिन्न माना गया है। नीलाचल धाम भी बोलते हैं इसको, और गुंडीचा मंदिर है वो उनकी मौसी का घर है। तो भगवान वृंदावन से अभिन्न है, वो उनकी मौसी का घर जिसको सुंदरांचल बोलते हैं। तो भगवान का अभिषेक होता है स्नान पूर्णिमा वाले दिन। बोला था कि भगवान एक बार संपूर्ण विग्रह, जो कि बहुत बड़े विग्रह हैं जगन्नाथ जी के, पूर्ण रूप से उठ करके आते हैं अपने स्नान वेदी पर। वहां पर उनको स्नान किया जाता है और वह ऐसा स्थान है जहां से गुंडीचा मंदिर सामने दिखाई देता है। तो बोला जाता है कि भगवान को स्नान करते हुए अपनी मौसी माँ की याद आती है और उनके पूरे शरीर में फीवर आ जाता है, बुखार आ जाता है, और 11 दिन तक भगवान को औषधियों के विहार पर रखा जाता है। और उसके बाद रथ यात्रा होती है और भगवान जाते हैं वहां से अपनी मौसी माँ गुंडीचा मंदिर के घर। तो कल रथ यात्रा का दिन है और उससे एक दिन पहले सारे भक्त लोग मिलकर के, बोला था कि ब्रजवासी लोग भगवान का स्वागत करने के लिए उस मंदिर का पूरा सफाई करते हैं। और बोला था कि भगवान जब तक हमारे हृदय में गंदगी है तब तक भगवान हमारे हृदय में भी विराजमान नहीं हो सकते। तो इस गंदगी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं इसको साफ करने के माध्यम से, कि हमें अपने हृदय को भी साफ करना होगा भगवान का वेलकम करने के लिए। तो जैसे कि आप सुनते हैं कि एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस आजकल लोगों की बहुत है कि एनवायरमेंट को क्लीन करना चाहिए, तो हमारे यहाँ दोनों एनवायरमेंट क्लीन करते हैं। कई लोग केवल आंतरिक रूप से कार्य करते हैं, कई लोग बाह्य रूप से कार्य करते हैं। हम दोनों पर कार्य करते हैं, बाह्य रूप से हम मंदिरों को भी साफ करते हैं और आंतरिक रूप से इस हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा अपने हृदय की भी गंदगी, जो कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे के रूप में विराजमान है, इसको भी हम क्लींजिंग करते हैं। तो बोला था कि जितना ज्यादा हम गंदगी निकालेंगे रगड़ रगड़ के, उतना ही भगवान ज्यादा एंटर करेंगे वहां पर। उसी तरह से हम अपने हृदय को भी साफ करते हैं और मंदिरों को भी साफ करते हैं भगवान के स्वागत के लिए आज के दिन। अच्छा अर्चित प्रभु जी, अभी मंदिर में भजन कीर्तन भी शुरू हो गया है, सफाई साथ साथ चल रही है, ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? ये कार्यक्रम कंटिन्यू चलेगा रात तक। जैसे आप देख रहे हैं कि सारे भक्त लोग आए हुए हैं यहाँ पर और अपने हृदय का भी मार्जन कर रहे हैं। हरिनाम के माध्यम से दिन भर चलेगा और साथ साथ मंदिर का भी मार्जन चलता रहेगा सुबह भगवान के स्वागत के लिए। इस जो सफाई के कार्यक्रम को गुंडीचा फेस्टिवल कहा जाता है? जी हाँ बिल्कुल, एक गुंडीचा फेस्टिवल बोला जाता है। एक्चुअली में एक राजा हुए इंद्रद्युम्न महाराज, उनकी पत्नी हुई है गुंडीचा, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उन्होंने भगवान से प्रे करी थी कि मेरे को आप पुत्र रूप में आप मेरे को स्वीकार करिए। तो एक और भी रीजन है भगवान जगन्नाथ का आने का गुंडीचा मंदिर में, गुंडीचा मंदिर के अंदर जाने का। तो उसका मेन रीजन है कि भगवान को उन्होंने अपना पुत्र माना है। तो भगवान साल में एक बार श्राद्ध करने के लिए आते हैं उनका। तो इस तरह से गुंडीचा मंदिर में भगवान पर्सनलिज्म बहुत है भगवान का भक्तों के साथ। तो भक्तों के अंदर जैसी भी इच्छाएं होती हैं भगवान पूर्ण रूप से उसको पूर्ण करते हैं आकर के। तो स्वयं भगवान, आप देखेंगे जब मंदिर से जगन्नाथ जी जाते हैं, स्पेशली नीलांचल में भगवान द्वारका धाम में, आप जानते हैं कि पूरे वैभव में रहते हैं, एकदम स्वर्ण वेश भी धारण करते हैं, कई सारा सोना चढ़ाता है, बड़ी सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहनेंगे। लेकिन जब वो सुंदरांचल की ओर जाते हैं, यानी कि गुंडीचा मंदिर की ओर जाते हैं, तो बिल्कुल व्हाइट कलर की ड्रेस पहनते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति श्राद्ध करने अपने माता पिता का जाता है। तो उस तरह से भगवान वहां पर 7 डेज तक विराजमान रहते हैं, पूरी रथ यात्रा निकलती है और फिर वापस आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको पता चला होगा कि गुंडीचा फेस्टिवल क्या है और क्यों मनाया जाता है। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहिए रेडियो द्वारका के साथ।